हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद अदु चैनल। रेलवे के एग्जाम की डेट आ गई 15 दिसंबर, तो मैं सोच रहा था कि रेलवे से रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी अपनी तैयारी को चेक करना कि भाई आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। एक्चुअली होता क्या है, जैसे SSC में होता है ना, CGL, CHSL और आपका MTS और CPO, सब में जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक ही टाइप के पूछे जाते हैं। वैसे रेलवे में भी ग्रुप डी, ALP और NTPC के क्वेश्चंस का जो एक कलेक्शन रहता है वो सेम रहता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर अभी रिसेंट वाले ALP और ग्रुप डी के क्वेश्चंस किए हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि NTPC में कुछ टाइप के सेल क्वेश्चन। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, आप लोग के साथ दिक्कत क्या होती है कि आप लोग GS पढ़ते तो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो लोग बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं पढ़ते वक्त कि सर ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये कहाँ से आए हैं। इसका बहुत सिंपल सा सवाल है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करो। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन नॉर्मल जगहों से आते हैं, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको बेसिक्स आता है, कुछ हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आपने ध्यान से एनालाइज किया है तो उसी से रिलेटेड आसपास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। NCERT भी पढ़ लीजिएगा, साइंस वाले पार्ट। चलिए, तो जो सिर्फ साइंस वाले क्वेश्चन है सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, आप लोग चेक करना कि आप लोगों को कितना आता है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, 2:16 का रेशियो कितना होगा, 1:8। तो आंसर आप लोग के सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सबका आंसर आ गया होगा। ग्रीन टेक लगा हुआ है लेकिन आप लोग खुद से लॉजिक भी सोचने की कोशिश करना है। हिंदी में है, मैं साथ साथ में इंग्लिश में बताता रहूंगा। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई मींस अनइक्वल फोर्स लगाते हैं, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, तो उसके किस चीज में कांस्टेंट चेंज होता रहता है, तो उसकी स्पीड में चेंज होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप अनइक्वल फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। सपोज एक कुर्सी है, उस कुर्सी पर मैं धक्का दे रहा हूँ लेफ्ट साइड से और कोई राइट साइड से धक्का दे रहा है और दोनों का फोर्स बराबर है तो कुर्सी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर राइट साइड वाले का धक्का ज्यादा हुआ तो वो मेरी तरफ सरक जाएगी। तो कहने का मतलब है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हो तो उसकी स्पीड में क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है, उसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट देखो, सिर्फ पढ़ना नहीं, रटना नहीं, समझना भी है। नेक्स्ट, ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाले रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। अभी तो स्टैटिक का क्वेश्चन है कि हो सकता है करंट अफेयर का भी क्वेश्चन, क्योंकि उसी साल किसी ने लॉन्च किया हो, तो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो तो चेंज होते रहते हैं। वैसे आप लोग याद कर सकते हैं, इंदौर है जो रोबोट का सबसे पहला यूज करने वाला है ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए, अब ये सब याद ही होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का भारी कोष पूर्ण होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन से ग्रुप के एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स का आउटर शेल कंप्लीट होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो 18th ग्रुप होता है, ठीक है स्टूडेंट, उसका देखो आपका क्या होता है, 2.8 की एलिमेंट शेल होती है ना, पहली शेल की होती है, फिर एल होती है, फिर एम होती है, फिर एन होती है, तो 2.8.8, ठीक है। तो 2.8.8 क्या है, 8+8+2 कितना होता है, 18 होता है ना, 8+8=16, 16+2=18। तो जो 18th ग्रुप होगा उसका बाहरी कोष क्या होगा, पूर्ण होगा, आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, कंप्लीट होगी, क्योंकि 2.8.8 होता है। तो कभी कभार हमें कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, अभी सब आपने 9th-10th क्लास से पढ़ रखा है यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ड्राइवर, ये तो चलो मैथ्स का क्वेश्चन है, यही तो है, मेक क्वेश्चन मिक्स है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, सॉरी कभी इंग्लिश कभी रीजनिंग, सॉरी फॉर दैट, ना इंग्लिश नहीं, कभी मैथ्स कभी रीजनिंग कभी GS, मिक्स है क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेट, ठीक है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज mg ना, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज पे ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लगाते हो तो वो उसका वेट होता है। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 1 व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह में संबंधित ना हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, विराट कोहली, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल,
विराट कोहली ऑब्वियसली बात है वो क्रिकेटर है, बाकी सब साइंटिस्ट हैं. इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलॉम अक्रॉस टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट. ठीक है, और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है जितना डिस्प्लेसमेंट जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 18 और चार्ज कितना था, चार्ज था आपका 4 कूलॉम, तो 18 इंटू 4 आपका वर्क हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये इज जस्ट लाइक फोर्स इंटू वट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज वर्क डन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्स लग रहा है वो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 18 और कितना चार्ज डिस्प्लेस हो गया 4 कूलॉम, तो 18 इंटू 4 कितना हो गया 72. ठीक है, आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपने चीज़ों को रटा नहीं होगा, अगर आपने चीज़ों को समझा होगा एनसीईआरटी में, तो आप लोग क्वेश्चन बड़े फटाफट आंसर कर लेंगे. अगर आपने रटा होगा तो आपको दिक्कत होगी. ठीक है, क्लियर? ओके. जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है? ठीक है, मतलब जब कोई चीज सर्कुलर मोशन पे होती है तो सेंटर क्या कहते हैं, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अभी केंद्रीय बल कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसका एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो कॉमन ये देखो, अब ये सब एनसीईआरटीज हैं, जिसने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, उसको आ जाएगा, उसको मतलब दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा. नाउ प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन किसे कहते हैं? कोडाईकनाल को, ये सब स्टैटिक का पार्ट है, आपको याद करना पड़ेगा. अब देखिए स्टूडेंट एक चीज समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम लॉजिक से आंसर कर सकते हैं जीएस में भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें याद होने चाहिए. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. कुछ मैथ्स ऐसे क्वेश्चन सारा देखो, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड, जिनका खून गर्म होता है उनको क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, तो फिश, क्रोकोडाइल, टोड, पीजन. तो देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस से आंसर करें, फिश, क्रोकोडाइल और पीजन, फिश, क्रोकोडाइल और टोड, फिश मछली, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और टोड मेंढक, ये तीनों के तीनों पानी में रहते हैं. जो पानी में रहेगा वो वार्म ब्लडेड मेरे हिसाब से थोड़ा कम होगा, कॉमन सेंस पर. देखो मेरा लॉजिक है, मेरा लॉजिक क्या, वो शायद तुम लोगों को ना समझना है, जो पानी के अंदर रह रहा है वो वार्म ब्लडेड नहीं होगा ना. ठीक है, क्योंकि पानी उसका टेम्परेचर कम कर देगा. तो फिश, क्रोकोडाइल और टोड मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होगा, पीजन ही आंसर होगा, क्योंकि पीजन पानी अंदर नहीं रहता है. ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते, जैसे कबूतर होता है वो अगर हवा में उड़ रहा है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो वार्म ब्लडेड होगा. लॉजिक कैसा भी हो काम कर रहा है बस. निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 9th क्लास की एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 12, साउंड वाले चैप्टर में, पॉर्पोइसेस, डॉल्फिन, बैट और पॉर्पोइसेस, ये अल्ट्रासाउंड को क्रिएट करते हैं. जो भी अल्ट्रासाउंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कौन सा एनिमल अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है, तो पॉर्पोइसेस. ठीक है, डॉल्फिन, चमगादड़ जो होते हैं, बैट होते हैं और पॉर्पोइसेस, ये लोग अल्ट्रासाउंड निकालते हैं. ठीक है, पतंगा, हाथी, शार्क, ये नहीं होंगे. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उदाहरण, उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन पीएच 7 से कम होता है? क्वेश्चन इंग्लिश में ये है कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसका जो क्या कहते हैं, जो आपका वाटर सॉल्यूशन है, जिसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका पीएच 7 से कम होगा. तो स्टूडेंट अगर पीएच 7 से कम होगा तो कौन सा होगा? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट. बिना सोचे समझे आप लोग, सॉरी मतलब सोच समझ के ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे. क्यों? क्योंकि यार देखो सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम लगा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है, अगर मेटल लगी है तो मेटल इज, मेटल आपका क्या करती है, बेसिक चीज़ों को दिखाती है. यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं, तो आंसर विल बी अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं. Which union minister has launched power tax in India? ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन बन गया. करंट अफेयर एक्चुअली चेंज होता रहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर को इग्नोर कर दिया, तो चाहो तो पढ़ भी लेना. दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो बहुत बड़ा पढ़ा है, ल्यूसेंट पढ़ा होगा, आर्य समाज. दयानंद सरस्वती आपका आर्य समाज किया था. ब्रह्म समाज किसने किया था? राजा राममोहन राय ने. प्रार्थना समाज किसने किया था? बहुत सारे समाज हैं, ठीक है, तो वो सारा अलग बात है, उसको आगे आप डिस्कस करना. दयानंद सरस्वती
निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? जो वॉशिंग सोडा होता है, इट इज सोडियम बाई कार्बोनेट, तो उसके एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3.10H2O। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो NaHCO3.10H2O। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है। अभी अगर आपने NCERT पढ़ी होती तो आपको पता होता। द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइना, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है मूवमेंट की, वो कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ जरूर देखना, जब आप ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, क्या आप लोग इनको आंसर कर पा रहे हो अपने आप से? मतलब ये नहीं कि आपको आंसर पता है। देखो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको आंसर कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दो तीन चार को छोड़ के काफ़ी सारों के आंसर पता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके आपको ये बात नहीं पता थी, चलो ये बात नहीं पता चली, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में भी। ठीक है, कॉलन काइमा, स्क्लेरिन काइमा, फ्लोएम काइमा क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, ऑप्शन भी सर्च किया करो। वैसे ऐसे सर्च करने से कुछ फायदा नहीं होता जब तक आपने पूरा चैप्टर ना पढ़ा हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये एक्चुअली सेशन इसलिए रखा गया ताकि आप लोग को चेक हो पाए कि आप लोग की GS कहाँ तक है। 2008 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम। ठीक है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? जो मतलब लैटिन एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में हर एक एलिमेंट का अपना एक केमिकल कहते हैं सिंबल होता है, तो वो सिंबल कहाँ से लिया गया है? आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। तो आयरन का जो सिंबल है, ठीक है, दैट इज टेकन फ्रॉम लैटिन। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में दिया हुआ है केमिस्ट्री में। आपने अगर देखो NCERT पढ़ना है इस बात, ठीक है, एक बात जान लो। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जाइगोट, ठीक है, वो कहाँ इम्प्लांटेड होता है? वो यूट्रस में इम्प्लांटेड होता है। ठीक है, तो ये भी आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होता तो आप इसको आंसर कर पाते। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल लेंथ, प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका मटेरियल पर डिपेंड करता ही है। ठीक है, लेंथ, मटेरियल की लेंथ फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट वी इज इक्वल टू आई आर में जो आर होता है, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस, इन सारी चीज़ों को अगर आपने पढ़ा है तो उसके फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ NCERT में दी हुई। तो मटेरियल पे फ़र्क पड़ता है, लेंथ से फ़र्क पड़ता है, एरिया से फ़र्क पड़ता है, पर प्रेशर से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो तो अभी आप लोग सेशन में ज़रूर देखें और कमेंट करके बताना सर कि क्वेश्चन हमसे बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जितने क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए आप लोग बताना सर, लगभग 80% क्वेश्चन बन गए, 100% बन गए, 90% बन गए, आंसर कमेंट में जरूर बताना मुझे कि तुमसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, और स्टूडेंट एक और चीज़ देखो, फालतू की चीज़ें मत पढ़ना, ठीक है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता। अगर तुम्हें टाइम वेस्ट करना है तो एग्जाम निकालने के बाद कर लेना। ठीक है, अभी तुम इस बात पर ध्यान लगाओ कि क्या क्या आता है और मुझे सिर्फ वही पढ़ना है जो आता है। ठीक है, क्योंकि फालतू की चीज़ पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। चलो इससे पहले क्वेश्चन था हमारा इकोलॉजिकल, ये तो हमें स्टेटमेंट एक्सेप्शन का क्वेश्चन है, हम लोग सिर्फ GS के क्वेश्चन देख रहे हैं, GS में भी पर्टिकुलरली साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स का भी कभी अलग से ले लेंगे, मैथ्स बहुत आसान आती है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है? तो रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन लेते हो, फोटोसिंथेसिस में आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है, रेस्पिरेशन है और आपका वाष्पोत्सर्जन मतलब इवेपोरेशन, ठीक है, और यूरिनेशन दैट इज, ठीक है, तो आपका ये वाष्पोत्सर्जन माने क्या होता है? इवेपोरेशन, तो उसमें ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन लेते हो, यूरिनेशन में ऑक्सीजन का कोई मीनिंग नहीं है, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आप रिलीज करते हो।
I hope I make myself clear. तो स्टूडेंट अच्छा इसके ऊपर ऊपर देखो एक क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का नहीं नहीं फिजिक्स का धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है ठीक है क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए आप किस मेटल को मतलब जो आपकी मींस वाष्प होती है वाष्प मतलब इवेपोरेटेड वाटर ठीक है उसके साथ रिएक्शन कराते हो ठीक है तो एल्यूमिनियम आप सबने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनते हैं जब एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं कॉपर है लेड है सिल्वर है लेकिन एल्यूमिनियम ठीक है एल्यूमिनियम का हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए ये भी आपका क्लास 9 10th में एनसीईआरटी में दिया तो मतलब एक बात क्लियर हो गई एनसीईआरटी पढ़ने की न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है मतलब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कौन सा है तो जब एक बस अचानक से चलती है तो यात्रियों का पीछे झटका लगता है तो रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन का एक्चुअली क्या है ना थर्ड लॉ ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है रॉकेट लॉन्च करना ठीक है रॉकेट लॉन्च करते हैं तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो ये है आपका तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को गेंद पकड़ते समय क्षेत्र ठीक है जब आप कोई कैच कर रहे होते हैं तो कैच करते वक्त आप आपके हाथ पीछे हो जाते हैं ठीक है वो तो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है तो ये तो आपका मोशन का है कि दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पहला वाला क्या जब एक बस अचानक से चलती होती है तो यात्रियों का पीछे की ओर झटका लगता है ठीक है तो स्टूडेंट इसमें सेकंड वाला है रॉकेट लॉन्च करना रॉकेट लॉन्च करना इज न्यूटन की गति थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को दिखा रहा है जब किसी वस्तु पर क्रियान्वित बल वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है ठीक है कार्य को परिभाषित कैसे किया जाता है वर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इनटू नहीं होता है डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा मतलब वो एंगल भी डिपेंड करेगा जिसमें आप डिस्प्लेस कर रहे हो जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो ठीक है तो वस्तु द्वारा कार्यान्वित बल को वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है विस्थापित वस्तु द्वारा वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा ठीक है कौन कौन सा है इसमें ठीक है तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक्चुअली डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि हमें ये नहीं बोला है एंगल क्या है एंगल बहुत मैटर करता है ठीक है तो इसलिए हम लोग अभी आंसर नहीं कर सकते तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग देख ही रहे हैं साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड ठीक है आप लोगों ने पढ़ा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई पेड़ होता है उसको काट देते हैं और जैसे मान लो एक जगह से काट दिया फिर उसको कहीं और लगा दिया फिर वो उगना शुरू कर देता है या उसी पार्ट पे है ना उसी पार्ट पे वो चीज़ उगना शुरू कर देती है तो अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एक तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें ए प्लांट की बॉडी दूसरे इंडिविजुअल को डेवलप कर देती है ठीक है तो दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है मुझे ऐसे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर एक्चुअली हम लोग ये भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं आपको समझा नहीं रहे आपको बस बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से पूछी जाती है ओके तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं पूरा का पूरा नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि पूरी पीडीएफ तो आप लोग डाउनलोड करके कहीं से भी कर सकते हैं ठीक है तो आई होप आप लोग करेंगे एंड स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी फालतू चीज़ें मत पढ़िए पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ल्यूसेंट को पढ़ लीजिए देन करंट अफेयर्स हैं बहुत ढंग से पढ़ाई करिए सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है थैंक यू